अजमेर प्रतिष्ठित कॉलेज में कार्यरत रिटायर्ड आर्मी अधिकारी की पत्नी से ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई है। ठगों ने महिला का मोबाइल हैक कर उनके दो अकाउंट से 15 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए। पुलिस की सजगता से 7 लाख रुपए विड्रॉल होने से रोक दिए गए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की पत्नी ने साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर पारुल यादव के अनुसार अलोरगेट निवासी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की पत्नी की नए थाने पर शिकायत दी थी। उनकी बुजुर्ग माँ SBI बैंक में अकाउंट रखती है। माँ की पेंशन एरियर को लेकर गूगल से SBI का नंबर सर्च किया था। नंबर सर्च करने के बाद एक अज्ञात व्यक्ति के संपर्क किया। कॉलर ने उन्हें SBI कर्मचारी बताकर उन्हें बातों में उलझा दिया और वारदात को अंजाम दे दिया। महिला के अनुसार 23 अगस्त को बदमाशों ने उन्हें व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर रजिस्टर ऐप डाउनलोड करवाने की बात उनमें उलझा कर एप्लीकेशन में सारी डिटेल भरवा ली। इस दौरान महिला का मोबाइल भी हैक कर लिया गया। महिला को इस दौरान शक हुआ तो महिला ने फोन काट दिया और फोन को बंद कर दिया। दूसरे दिन महिला की माँ का अकाउंट और एक दूसरे अकाउंट से बदमाशों ने 15 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए। पीड़ित महिला के द्वारा तुरंत इसकी शिकायत साइबर थाना पुलिस को दी गई, जिसके चलते पुलिस ने अपनी टेक्निकल जानकारी के चलते ट्रांजेक्शन को होल्ड करा दिया, जिसके चलते 7 लाख रुपए के बीच में ही होल्ड हो गए, लेकिन 8 लाख बदमाशों ने अपने अकाउंट में डाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साइबर थाना पुलिस ने सभी लोगों से अपील की है कि अगर किसी के साथ भी ऑनलाइन ठगी होती है तो वह साइबर इंडिया के 1930 पर तुरंत कॉल करें। अगर नंबर व्यस्त होता है तो आप साइबर पोर्टल cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिससे कि मामले में पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सके। प्रतिष्ठित संस्थान के डायरेक्टर हैं, उनकी वाइफ जो है वो अपनी माँ का खाता ऑपरेट अपने मोबाइल से करती है, तो उन्होंने अपनी माँ के पेंशनर्स खाता जो है उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन गूगल पर कोई नंबर सर्च किए थे पेंशनर के, तो वहाँ पर उन्होंने सर्च किए तो बाद में किसी अननोन नंबर से बात हो करके, और दिन में तो फ़ोन कट गया, और बाद में उनसे वापस से फ़ोन आया तो एक ऐप डाउनलोड करवाया था उनको। ऐप डाउनलोड करवाने के बाद में वापस से बोला कि आपकी शिकायत दर्ज हो गई है और सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद रात को 8 बजे के लगभग उनके एक खाते से, उनकी माँ के खाते से लगभग 9,99,999 रुपये कट गए। उसके बाद में वो शिकायत करने के लिए आए थे, इसी दौरान 19:30 पर उन्होंने शिकायत की। शिकायत करते करते ही इसी दौरान उनके दूसरे खाते से 5 लाख रुपये और कट गए थे, तो इसके अंदर पुलिस ने लगभग 7 लाख रुपए जो है वो होल्ड करवाए हैं। ये पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, इस कारण से ये रुपए होल्ड हो पाए हैं। और जी यही है, माँ भी मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। जी हाँ, इस संबंध में उन्होंने मुकदमा थाने पर उपस्थित होकर के दर्ज करवाया था, हमने दर्ज कर लिया है। हमारे यहाँ नर्सरी में थाईलैंड, मलेशिया, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, बेंगलोर, UP में पाए जाने वाले फ्लो के पौधे और आयुर्वेदिक वास्तु नक्षत्र के पौधे मिलने का एकमात्र स्थान धनराज नर्सरी फॉर्म, नागौर रोड, पुष्कर कोटी।